हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और मुझे देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे, बिकॉज़ मैं ऐसे पैक हुई हूँ, मैं एकदम पैक हुई हूँ। और बिकॉज़ कि मैं अभी निकल रही हूँ 2 दिन के लिए पूना। काफ़ी लंबा सफ़र है, क्योंकि पूना में मेरी एक मीटिंग है, और आने के वक्त मैं लोनावला में थोड़ा जाऊँगी। हमारी एक वीरा माता जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करना है। और बड़े मुश्किल से, बहुत टाइम से मैं प्लान बना रही थी, लेकिन प्लान बन नहीं रहा था। फाइनली आज प्लान बना है, और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, और मैं निकल रही हूँ। चलिए देखते हैं लोनावला टू पूना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? फाइनली मैं पहुंच गई हूं पूना, और यहां मेरी बहुत ही खास दोस्त, मेरी क्लासमेट, मेरी जान, मेरी व्हाटएवर, बहुत पुरानी मेरी फ्रेंड रहती है। वो मैं उसको बताई नहीं हूं, लेकिन मैंने मुझे पता है कि वो घर पे है, तो मैं जा रही हूं उसको सरप्राइज़ देने। और फिर उसके साथ मैं ये 2 दिन का सफ़र जो है वो बिताऊंगी। हम लोग बहुत घूमेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। तो मैं चलती हूँ उसके घर और देखते हैं उसका रिएक्शन। और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैं इसको मिलूंगी। पता नहीं इसके रिएक्शंस क्या होंगे, देखते हैं। फिलहाल मैं उसकी बिल्डिंग के पास हूँ, अभी देखती हूँ। हाय, ये मेरी फ्रेंड है, देखो हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल गए। आज फाइनली ये मोमेंट मैं मिस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग में बनाई। थांबा, मला येते मराठी? हैं, आता मी शिकते मराठी। मुंबई वरून मी आली। मतलब मैं समझी नहीं कि मैं मराठी बोली कि मैं हिंदी बोली, लेकिन बोली कुछ तो बोली ना मौसी। कैसे बोली मैं? अच्छा बोला ना। वही तो, देखिए ये मेरी फ्रेंड का घर है। वाओ, कितना खूबसूरत है। ये राम की फोटो है। वाओ, अरे मेरा हैंडसम। वाओ, डुल्लू बुल्लू। हाय, माता जी को तो मिली नहीं मैं, तो जब आवा पहले माता जी को मिलूँ। श्री श्री माता जी, माता जी बोलेंगी तुम लोग मिल लिए, हमको तो मिले ही नहीं, अभी तुमको बताती हूँ। वाओ, इधर क्या है ये साइड में? अरे वो अपना ऑफिस है, मेरा खुद का ऑफिस है। ऑफिस है, चलो शादी करने दो, फिर डिवोर्स करवाना। काय के लिए डिवोर्स? हाँ नहीं, घर की लॉयर है, कुछ तो फायदा होना चाहिए। काउंसलिंग करूँगी, घर की लोअर का कुछ तो फायदा होना चाहिए। है नहीं। ये ऐसी लोअर है, देखो अभी शादी का ठिकाना नहीं है, लेकिन डिवोर्स ये करवाएगी। नहीं है मौसी, है ना, डिवोर्स करवाना चाहिए, अच्छी बात है। कशाला कशाला नहीं करवाना है। ये क्या, ये विधान का रूम है? मैं बिना पूछे विधान के रूम में आ जाती हूँ। कहाँ गया विधान? विधान चला गया, ऊपर है, वॉशरूम है, कहाँ है? अरे वो, अच्छा अच्छा वो रूम में है। ओके, पूरे रूम को मैं ताड़ रही हूँ। ये रूम है विधान, विधान का रूम है।
अभी उसको चल रहा है। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। और ये है मेरा रूम ऑब्वियसली। ये मेरा रूम है, आप देख लीजिए मेरे रूम को। काफी अच्छे से मेंटेन किया है मैंने। ये यहाँ पे ये फिक्स है मेरा रूम। बढ़िया बढ़िया। चलो हम लोग चाय की चुस्की लेते हैं अभी। आ जाओ, कहाँ गई हमारी चाय? अरे वाह, तूने मेरे गुलदस्ता रखे रखा है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, देखिए मैं पहुंच गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर में। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बॉम्बे से तो मैं आ गई थी 3 घंटे में, लेकिन यहाँ इसके घर पे आने का जो सफ़र था वो बहुत ही मतलब बहुत ही पेनफुल था, बिकॉज़ कि मैं चाहती थी कि कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ। और देखिए मेरी फ्रेंड यहाँ पे चाय बना रही है। हाँ, चाय की खुशबू, वाह वाह वाह। देखो माय गॉड, कितने साल के बाद हम लोग ने कितने दोस्त बना लिए तूने मेरे को छोड़ के, कितने दोस्त बनाए मुझे छोड़ के। नहीं बस तू ही है यार। देखा, बस मैं ही हूँ। तो हम लोग देखो अभी चाय बन रही है, 2 कप है, माय गॉड। अभी हम लोग चाय की चुस्की लेंगे, ठंड बहुत अच्छी सी है यहाँ पे, है ना, बहुत ठंड है। तो चलो चाय की चुस्की से बात होगी। हम यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ। ओह माय गॉड, डरते जाओ डरते जाओ। मैंने मना किया था खाना नहीं बनाना। माय गॉड, ऐसे खाने को तो खाना ही पड़ेगा अभी, तो इतना खाना। एक तो ऑलरेडी मैं मोटी भैंस हूँ, हैं, खा खा के। तो तुम चाहती क्या? गौर से देखो इस इंसान को। घी डाल डाल के दाल बनाया है। ये दाल को देखो, दो देखो देखो दाल, देखो घी दिख रहा है। ये गौर से मेरे सेहत के दुश्मन है। कैसा लग रहा है घी वाला दाल? चलो अभी खाते खाते, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा खाना। हेलो गाइस, चलिए आज सेकेंड डे है और मैं मुंबई के लिए निकल रही हूँ। थोड़ी सी सैड हूँ बिकॉज बहुत दिन बाद मेरी फ्रेंड मिली थी और हम लोग बहुत दूर हो गए, सिचुएशन ने हमें दूर कर दिया। और लेकिन हम लोग दूर है कि बहुत करीब है और बहुत अच्छी हम लोग की दोस्ती है इतने सालों से। भले हम दूर हैं तो क्या हुआ, दोस्ती बहुत अच्छी है। और देखो मैं उसको नीचे तक आने नहीं दी हूँ बिकॉज कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, वो भी रो रही है, अंदर रो रही है, मुझे मालूम है। और मैं जल्दी जल्दी आ गई बिकॉज कि वो मुझे जाता हुआ नहीं देख पाएंगी और मैं मुझे उससे रोते हुए नहीं देख पाऊँगी। तो कुल मिला के ये टूर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है और अब मैं निकल रही हूँ मुंबई के लिए। और आप सब लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए सपना पांडे ऑफिशियल को, सपना पांडे ब्लॉग को, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए बाय।